Hello guys, this is Renu Gehlot and welcome to our YouTube channel DMLT Lab. Today we are going to discuss about important topic of anatomy and physiology for especially DMLT student for batch 2019 and 20. Let's start our video. Firstly, we have discussed about anatomy. क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के टॉपिक की, तो हमें पहले पता होना चाहिए एनाटॉमी की आखिर होता है क्या और फिजियोलॉजी क्या होता है। एनाटॉमी मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गन की जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए हम लोग हार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हार्ट के अंदर हमें पता होना चाहिए। जब हम हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो हम बात करेंगे उसके कितने चैम्बर होते हैं, कितने वॉल्स होते हैं, उसकी कवरिंग कौन कौन सी होती है, तो वो क्या होती है उसकी एनाटॉमी। जब भी हम किसी ऑर्गन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं या फिर उसकी लेयर्स की, कवरिंग्स की, उसके चैम्बर्स की या उसके पार्ट्स की बात करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वह उसकी एनाटॉमी कहलाती है। एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, जब भी किसी ऑर्गन के हम फंक्शंस की बात करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि वह कैसे फंक्शन करता है उस मैकेनिज्म की, जब हम या तो उसके मैकेनिज्म की बात कर लें कि इसमें फंक्शंस का जो मैकेनिज्म होता है वह उसकी फिजियोलॉजी के लगे। तो एनाटॉमी क्या होती है, किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर के बारे में बताना कि उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती है, कौन कौन सी कैविटी होती है, कौन कौन सी पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी एनाटॉमी होती है। और फिजियोलॉजी मतलब कि वो कैसे फंक्शन करता है, उसका मैकेनिज्म बताना, उसका फिजियोलॉजी कहलाती है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अब हमारे मेन टॉपिक की बात करते हैं कि हमारे इस वीडियो का मेन एम था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने हैं हमें डीएमएलटी स्टूडेंट के लिए। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीवीएस। सीवीएस जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कोई सा भी कोर्स ले लीजिए पैरामेडिकल का, चाहे आप डीएमएलटी ले लीजिए, डीईटी ले लीजिए, डीसीटी ले लीजिए, सबके अंदर सीवीएस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और सीवीएस के अंदर हार्ट तो स्पेशली आप स्टार कर सकते हैं, हार्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर पेपर में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोई भी आप पैरामेडिकल स्टूडेंट है तो पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज के अंदर सीवीएस जो होता है इम्पॉर्टेंट है, और सीवीएस के अंदर हार्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोगों को क्या बात करनी है, हार्ट के अंदर हार्ट की स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर के अंदर हम उसकी बात करेंगे, उसकी कवरिंग कौन कौन सी होती है, उसके चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, वह आ गया हमारी स्ट्रक्चर के अंदर उसकी एनाटॉमी विथ डायग्राम, ठीक है। याद रखना एनाफिजियो के अंदर आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप डायग्राम के साथ में उसको बताएंगे तो आपकी मार्क्स मिलने के चांस ज्यादा है। मान लीजिए आपसे शॉर्ट नोट बोला कि चार नंबर का शॉर्ट नोट लिखना है, मोस्टली क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स पे आते हैं और ब्रीफ कीजिए ब्रीफली पे आते हैं, ठीक है ना, ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए। चार नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको बोल दिया कि हार्ट की स्ट्रक्चर बताओ, तो अगर आपकी आपको हार्ट की कवरिंग्स, वॉल्स एंड चैम्बर्स के बारे में नहीं पता बट आपको हार्ट की स्ट्रक्चर आती है, आपको याद है कि हाँ हार्ट की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसमें फोर चैम्बर्स होते हैं, तो आप हार्ट की चैम्बर्स बना देंगे, उसकी लेबलिंग कर देंगे, तो आपको चार में से एक या फिर डेढ़ नंबर तो मिल ही जाएगा, वन बाय टू मतलब डेढ़ नंबर तो मिल ही जाएगा। तो आप डायग्राम स्पेशली याद करिए, ठीक है ना, भले आपको उसकी थ्योरी नहीं आती हो बट आप डायग्राम बना देंगे तो आपको चार में से एक या फिर डेढ़ नंबर तो जरूर मिल जाएगा। तो डायग्राम आप स्पेशली याद कीजिए, है ना, फिजियो के अंदर आप डायग्राम जरूर करके जाएंगे, ठीक है ना। फिर आता है फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है, ब्लड को कैसे पंप करता है, ठीक है, तो वह उसकी फंक्शन के अंदर आ गया। फिर आता है सीवीएस के अंदर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आती है आर्टरीज एंड वेन, यह इम्पोर्टेंट है। आर्टरीज के बारे में पूछा जाता है और वेन्स के बारे में पूछा जाता है, मेनली आप या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसके डिफरेंस के बारे में पूछ दिया जाता है कि आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। फिर आता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम को आप स्टार कर सकते हैं, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम को आप स्टार करके रखिए, यह क्वेश्चन डीएमएलटी वालों के लिए बहुत बार पूछा गया है, एक से दो बार पूछा गया है, तो राइट एट्रियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो राइट एट्रियम तो आपको करना ही करना है, सीवीएस को पक्का करना है, और सीवीएस के अंदर राइट एट्रियम जो होता है आपको वह करना है, किसी भी हालत में आपको छोड़ के नहीं जाना है। क्योंकि अगर आपको मालूम चल रहा है कि 50% भी किसी क्वेश्चन के चांसेस हैं आने के, तो 50% आप रिस्क क्यों लेके चल रहे हैं। मान लीजिए आपने पढ़ लिया, आप मतलब थोड़ा सा ब्रीफली को पढ़ ही सकते हैं ना उसके बारे में, तो आपको 50% मार्क्स तो मतलब चांस अगर गलती से आ भी गया तो चार में से दो नंबर तो मिल ही जाएंगे, तो आप अपने मार्क्स मत गवाइए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड सेल्स की। ब्लड सेल्स जो होता है वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो ब्लड सेल्स भी इम्पोर्टेंट है। ब्लड सेल्स में आरबीसी, आरबीसी के भी अंदर इरिथ्रोपोइसिस मतलब कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी स्टेज, ठीक है,
तो ब्लड सेल्स के अंदर क्या पढ़ना है, स्पेशली आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या पढ़ना है आप लोगों को, एरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन, एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, उसकी स्टेज कौन सी होती है विद डायग्राम, ठीक है ना। और इसके फंक्शन तो आपको करने ही करने हैं, बट उसके साथ में आरबीसी का आपको एरिथ्रोपोइसिस भी याद रखना है। आप मान लीजिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, तीनों के फंक्शंस तो आपको पढ़ने ही हैं, ठीक है ना। फंक्शंस के साथ में आपको आरबीसी का एरिथ्रोपोइसिस भी पढ़ना है और डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है एंड प्लेटलेट्स के फंक्शंस पढ़ने, प्लेटलेट्स क्या होती है उसकी फंक्शंस पढ़ने, ठीक है। और अगर आप इनके डायग्राम्स भी याद करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आपको उसकी थ्योरी नहीं आती तो आप डायग्राम बनाएंगे तो एटलीस्ट चार में से आपको एक मार्क्स तो मिलेगा, इसलिए डायग्राम जरूर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखेंगे लीवर, लीवर जो होता है इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे लीवर की स्ट्रक्चर पूछी जाती है, कौन सी डक्ट्स कहाँ होती है, उसका डायग्राम आना चाहिए, लीवर कैसे फंक्शन करता है, मतलब बाइल जूस, मतलब सॉरी लीवर बाइल जूस का, या फिर जो जूसेस होते हैं उनका सीक्रेशन कैसे करता है, ठीक है। और LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है लीवर के अंदर। तो लीवर के आपको स्ट्रक्चर याद करने, जूसेस याद करने हैं और लीवर फंक्शन टेस्ट याद करना है, और बाइल, बाइल का रेगुलेशन कैसे होता है, बाइल की कंपोजिशन कौन से होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दो से तीन बार पूछा गया है, तो आपको याद करने हैं बाइल की कंपोजिशन, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, उनकी फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। सीवीएस का एक चीज रह गई थी, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो होता है उसके अंदर भी सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, जो हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन भी याद करना है आपको सीवीएस के अंदर, और कंडक्शन, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्लैंड्स की, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर से मोस्टली थायराइड ग्लैंड के बारे में पूछा जाता है, थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर बताइए, इसकी कैसे हार्मोन का सीक्रेशन होता है, कौन कौन से हार्मोन का सीक्रेशन होता है, कैसे स्टिमुलेशन किया जाता है, कैसे रेगुलेशन किया जाता है, थायराइड ग्लैंड बहुत बार पूछा गया, तो थायराइड ग्लैंड का स्टार्ट कर सकते हैं। सुप्रा एड्रेनल ग्लैंड भी एक से दो बार पूछा गया, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। एंड हाइपोथैलेमस, मोस्टली हाइपोथैलेमस एंड सुप्रा एड्रेनल ग्लैंड, सॉरी हाइपोथैलेमस एंड थायराइड पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है थायराइड की स्ट्रक्चर, डायग्राम सब याद करके जाना है, और आप डायग्राम तो जरूर देख के जाइएगा इनका, क्योंकि आपको अगर थ्योरी नहीं आती तो आप डायग्राम तो लिख ही सकते हैं। फिर आता है कुछ टेस्ट के बारे में पूछा जाता है, जैसे आप ECG के बारे में पूछा जाता है और ESR, कुछ टेस्ट के बारे में डायरेक्टली पूछा जाता है। ECG DMLT वालों से कोई रिलेशन नहीं है ECG का, बट ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है तो आप चांस मत लीजिए, 50% चांसेस इस क्वेश्चन के रिपीट होने के, तो आप एक बार पढ़ लीजिए ECG और ESR। अब आता है रेस्पिरेशन, 7 नंबर पे रेस्पिरेशन से भी, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें डायरेक्टली पूछा जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, तो आप रिस्क मत लीजिए इन क्वेश्चन को, आप ज्यादा नहीं हो सके तो एक बार पढ़ के जरूर जाइए, गलती से आ जाता है तो हमें मार्क्स तो मिलेंगे ना, हम रिस्क क्यों लें। फिर आता है मैकेनिज्म रेस्पिरेशन, ये भी पूछा जाता है, और रेगुलेशन कैसे होता है रेस्पिरेशन के अंदर से, आपसे ये टॉपिक पूछा जाता है इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होता है, मैकेनिज्म रेस्पिरेशन पूछा जाता है। 8 नंबर पे आते हैं हमारे सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, ये भी पूछा जाता है, इसके अंदर आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताइए, इनकी डिफरेंस बताइए, न्यूरॉन के आपको स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताइए, न्यूरॉन की टाइप्स बताइए, ठीक है। फिर आता है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, आपसे स्ट्रक्चर पूछेंगे तो आप डायग्राम बनाइए, सबसे पहले डायग्राम से क्या होता है कि आप डेफिनेशन लिखिए फिर डायग्राम बनाइए, तो आपको इंप्रेशन अच्छा जाता है, एग्जामिनर सोचता है कि इनको बच्चों को अच्छा आता है, तो क्या होता है कि ज्यादा पढ़ना आजकल कोई नहीं चाहता है, ठीक है ना, आप बड़ा बड़ा लिख दोगे कोई नहीं पढ़ेगा, आप डेफिनेशन लिख दोगे, डायग्राम लिख दोगे, एग्जामिनर को लगेगा आपको आता है, भले आप उसके अंदर कुछ भी लिखो, ठीक है ना। तो आप किसी भी, जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, इनकी स्पेशली डायग्राम और डेफिनेशन तो याद करिए, आप डेफिनेशन और डायग्राम लिखेंगे ना आप पढ़ेंगे तो वैसे ही सब कुछ, बट स्पेशली इनके डेफिनेशन और डायग्राम को थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, उससे क्या होता है कि गलती से ये क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे तो इनकी 50-60% चांसेस है इन क्वेश्चन के आने के, और अगर गलती से क्वेश्चन आ जाते हैं तो 4 नंबर में से आपको 2 नंबर तो मिलेंगे आप डायग्राम और डेफिनेशन लिखेंगे, तो इसलिए बताया जा रहा है आपको ये सब टॉपिक। नेफ्रॉन के बाद आता है पैनक्रियाज, जैसे हमारे लिए लीवर इंपॉर्टेंट है वैसे हमारे पैनक्रियाज इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछ लिया जाते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस बताइए, कौन कौन से जूसेस का सीक्रेशन करता है, इसकी कंपोजिशन क्या होता है, इसका रेगुलेशन कैसे होते हैं, और फंक्शंस के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप ये सब है ना, मतलब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही लीजिएगा, या ज्यादा नहीं होता आप एक बार तो पढ़ ही लीजिएगा,
क्योंकि इन क्वेश्चन के चांसेस 50-60% आने के। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% चांस, 100% तो कोई भी नहीं बता सकता, बट 50% चांसेस है क्योंकि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए ये जो है हैवी वेटेज रखते हैं, जैसे आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये टॉपिक जो है इतने इतने मार्क्स का होता है, ये इस टॉपिक से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो वैसे ही आप देखिए कि इन सब टॉपिक से 50-60% चांसेस हैं इन टॉपिक्स के आने के। फिर आता है स्केलेटल मसल्स, मसल्स आती है। मसल्स के अंदर आपको स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स ही पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इनकी फंक्शंस के बारे में, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। फिर आता है जॉइंट, जॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट की टाइप्स आपको बहुत याद करने, जैसे आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है जॉइंट के बारे में बताइए, तो जॉइंट की टाइप्स आप जरूर पढ़ेंगे, जॉइंट से जरूर क्वेश्चन आता है। शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, ब्रीफ कीजिए हिंज जॉइंट को, ब्रीफ कीजिए, ठीक है। तो जॉइंट्स की टाइप्स आप पढ़ लीजिएगा स्पेशली। 12th नंबर पे आता है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जैसे मैंने आपको बताया डेफिनेशन याद कर लेना, फिर इम्यूनिटी के टाइप्स पूछे जाते हैं। इम्यूनिटी के टाइप्स होते हैं अलग अलग बेसिस पर अलग अलग होते हैं, जैसे आप देखेंगे तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है। तो अलग अलग बेसिस पे इम्यूनिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो आप इम्यूनिटी और उनके सारे टाइप्स याद करके जाना कि कौन सी टाइप पूछी जाती है, क्योंकि एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी पूछी जाती है, एक्वायर्ड इनेट पूछ ली जाती है, ठीक है। और अब हमारा 30 नंबर टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि क्या होता है ये कुछ टॉपिक है जो ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। लाइक आप माइटोकॉन्ड्रिया पूछ लिया जाता है, डीएनए आरएनए, क्योंकि स्पेशली आप डीएमएलटी के स्टूडेंट है तो इसलिए आपसे ये डीएनए आरएनए स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, कनेक्टिव टिश्यू, इन सब चीजों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक है जो ये रिपीट हुए हुए हैं, या फिर इनकी चांसेस जो है आप मान लीजिए 60% चांसेस है इनके आने के, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए, स्पर्मेटोजेनेसिस, कनेक्टिव, ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप डीएमएलटी से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया, स्पाइनल कॉर्ड तो हम इतना नहीं कह सकते, बट हाँ गोनेट्स वगैरह, ये जो मोस्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, डीएनए, स्पर्मेटोजेनेसिस, कनेक्टिव टिश्यू, ये इसलिए है क्योंकि आप डीएमएलटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन क्वेश्चंस की 50-60% चांसेस है एग्जाम्स में आने की, तो आप एग्जाम्स में जाने से पहले एक बार इनके ऊपर थोड़ी सी नजर मान लीजिएगा, ज्यादा नहीं हो तो आप इनकी डेफिनेशन और डायग्राम के ऊपर नजर मान लीजिए, क्योंकि 100% चांस तो नहीं है, 50-60% चांस ही है इनके रिपीट होने के या फिर आने के इन क्वेश्चंस के। तो आप एक बार इनके बारे में देख लीजिएगा। इस टॉपिक इन इस वीडियो में जितने भी टॉपिक बताए गए हैं उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक से अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बताएंगे। और इस वीडियो से कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, मतलब इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये डाउट है, आपको वीडियो कैसा लगा, यह तो आप जरूर बताइएगा। इतनी मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया, तो आप वीडियो में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो कमेंट करिएगा प्लीज, ज्यादा से ज्यादा कमेंट होनी चाहिए कि आपको वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।